गाइस नमस्ते दोस्तों। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कि फुटप्रिंट चार्ट में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं, और यहाँ पे क्या सिर्फ हमें बायर्स को कंसिडर करके लेना है, क्या हमें सिर्फ यहाँ पे सेलर्स को कंसिडर करके लेना है, या और कोई दूसरे टाइप की हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है कि हर कोई बताता है कि हम यहाँ पे डायगोनली तो कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर क्यों मिसमैच हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, किस तरफ किस टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पे पंच हो रहे हैं, उस सभी के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। राइट, तो उससे पहला एक जो टॉपिक है जो हमें डिस्कशन करना है कि मार्केट में किस किस तरफ के जो पार्टिसिपेशन आते हैं और उनको क्या क्या बोला जाता है। सो मार्केट में पार्टिसिपेशन जब बोलते हैं ना, वी हैव अ टू टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन, वी हैव अ अग्रेसिव पार्टिसिपेशन और वी हैव अ पैसिव पार्टिसिपेशन। इसका मतलब है कि अग्रेसिव जो ट्रेडर्स रहते हैं या पार्टिसिपेशन रहते हैं वो हमेशा अपना ऑर्डर मार्केट ऑर्डर पे बाय करना चाहते हैं या मार्केट ऑर्डर पे सेल करना चाहते हैं। सो जो भी अपना ऑर्डर है वो मार्केट पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसे एग्रेसिव पार्टिसिपेशन बोलते हैं। और जो जो ट्रेडर्स हैं जो जो पार्टिसिपेशन है जो अपना ऑर्डर लिमिट बाय या लिमिट सेल पे रख के अपना ऑर्डर फिल करना चाहता है उनको पर्टिकुलरली पैसिव ट्रेडर करके बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें पैसिव ट्रेडर की नाम जब आपको सुनाई देगा, हम बात कर रहे थे लिमिट बायर्स और लिमिट ट्रेडर्स के बारे में, और जब भी हम अग्रेसिव पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम बात करेंगे मार्केट में मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर्स के बारे में। राइट, तो अब जाएंगे हम आपकी ऑर्डर बुक में। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस तरह रहता है बिड, इस तरह रहता है आस्क। राइट, तो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें ये बताने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि आस्क प्राइस आर द लिमिट सेलर्स, ओके, एंड बिड प्राइस आर द लिमिट बायर्स। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा कि दीज आर द नॉट अ मार्केट बायर्स एंड मार्केट सेलर्स। ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं आस्क हमेशा रिप्रेजेंट करता है लिमिट सेलर्स को और बिड रिप्रेजेंट करता है लिमिट बायर्स को। और एक चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ में लेना है कि हमेशा जो ट्रांजेक्शन्स होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक क्वांटिटी अगर बाय करना है या एक लॉट मुझे बाय करना है, देयर शुड बी समवन हु इज़ अपोजिट ऑफ द ट्रेड। अगर कोई बाय करना चाहता है तो उसके अपोजिट साइड में कोई सेल भी करना रहना चाहिए, सेलर्स भी रहना चाहिए। इन द सेम वे अगर मुझे सेल करना है, इसके अपोजिट साइड में कोई वहाँ पर बाय भी करना वाला कोई होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे बायर्स भी, इस साइड पे बायर्स भी है, लिमिट बायर्स भी है, और इस साइड पे लिमिट सेलर्स भी है। तो जब भी मार्केट में हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स है, क्या आपको लगता है प्राइस ऊपर या नीचे चला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपको जब भी बाय करना है ना, तो ट्रांजेक्शन्स होता है लिमिट सेलर का, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो होता है मार्केट बायर से, और लिमिट बायर्स का जो ट्रांजैक्शन होता है मार्केट सेलर से। ये जो पॉइंट है ना, जब आपको समझ में आएगा तब आप 50% का जो नॉलेज है यूजिंग दिस फुटप्रिंट चार्ट में आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो जब भी आप एक मार्केट में, फॉर एग्जांपल आई होप आपको कितना एक्सपीरियंस है इसको बारे में मुझे पता नहीं, जब भी आप मार्केट में जाके एक क्वान्टिटी, एक 50 क्वान्टिटी आप बाई करोगे ना, एट द प्राइस अराउंड निफ्टी का चल रहा है 18,880 पे, सॉरी 18,800 पे, तो सडनली आपको 18,800 का प्राइस नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 18,801 का, क्योंकि वहाँ पे कोई 18,800 पे कोई सेल करने वाला ही नहीं है। सेल करने वाला हमें मार्केट सेलर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए लिमिट सेलर्स। तो इसीलिए ये डिफरेंस आता है ना आस्क और बिड का, तो यही डिफरेंस की वजह से हम फुटप्रिंट चार्ट के कैंडल पे हम अपना जो 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 एनालिसिस है ना, हम हमेशा डायगोनली बनाते हैं ना कि हॉरिजेंटली। कभी भी यहाँ पे हॉरिजेंटली कंपेयर किया नहीं जाता, हमेशा हम कंपेयर किए जाते हैं ऐसे। और ये एक जो पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है कि जितने भी लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स है, ये मार्केट को कभी भी ऊपर या नीचे लेके नहीं जाएंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे मार्केट बायर्स या मार्केट सेलर्स। आई एम गोइंग टू शो यू वन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर
फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो कि मुझे यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी का बाय करना है, तो सेलर में तो कोई उतना लिमिट सेलर्स नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला था कि अगर मैं मार्केट बाय ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, उसके अपोजिट साइड्स पे कौन से ऑर्डर मुझे होने हैं, उसके अपोजिट साइड के मुझे मार्केट सेलर्स नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन ही नहीं होता इसके बीच में। इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो लिमिट सेलर्स में। अब मुझे 10,000 क्वांटिटी का बाय करना है, तो क्या यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी है? नहीं है, सिर्फ 100 क्वांटिटी है। तो ये क्या करेगा, जब हम मार्केट बाय पे ऑर्डर करेंगे तो ये सभी जो लिमिट सेल ऑर्डर है ये फिल होना शुरू होंगे ऊपर की तरफ। सो लेट्स वॉच इट। तो देखो ऐसे करके ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स है ना, उन सभी लिमिट सेलर का वैल्यू को फिल करेगा जब तक मार्केट में ये 10,000 क्वांटिटी बाय नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू थे वो कहाँ पे थे, तो वो वैल्यू जितने भी वहाँ पे जो लिमिट सेलर्स जो रहते हैं ना, वो जो वैल्यू वहाँ पे फिल हुए वो वैल्यू आते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल पे इस साइड में, राइट। तो आई होप ये डाउट, आपको एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जितने भी इस जगह के जो लिमिट सेलर्स थे, जब उनका ऑर्डर फिल हो चुका होगा, ये वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करते हैं, ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं इस फुटप्रिंट कैंडल पे इस साइड में, राइट साइड में। हमेशा ध्यान में रखो कि पर्टिकुलर जो कैंडल है, कैंडल की राइट साइड में जो वैल्यूज मिलते हैं यहाँ पे जो रहते हैं ना, ये वैल्यूज हैं जो लिमिट सेलर्स का जो वॉल्यूम है उनका वॉल्यूम रहता है, राइट। तो अब इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई एक 1,000 का क्वांटिटी यहाँ पे मार्केट सेल करता है, तो ऑब्वियसली जब हम मार्केट सेल एग्जीक्यूट करते हैं तो इसके अपोजिट साइड पे मार्केट बाय ऑर्डर पंच नहीं होता, इसके अपोजिट में मार्केट सेल ऑर्डर पंच होता है। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, इट विल गोइंग टू फिल दिस 375 प्लस रिमेनिंग जितने भी क्वांटिटीज हैं, वो रिमेनिंग क्वांटिटीज यहाँ पे डायरेक्टली समवेयर अराउंड 625 का जो रिमेनिंग है वो नंबर यहाँ पे फुटप्रिंट में कैंडल के राइट साइड में यहाँ पे जो पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम में फिल होते जाएंगे, राइट। तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि तो यहाँ पे इस कैंडल के जो राइट साइड में जो हमें ग्रीन वैल्यू में दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ मार्केट बायर्स नहीं है, यहाँ पे है लिमिट सेलर्स भी है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर कैंडल पे ये जो लेफ्ट साइड में जो रेड वॉल्यूम जो हमारे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिर्फ मार्केट सेलर्स नहीं है, यहाँ पे लिमिट बायर्स भी है, राइट। तो एक बात आपको समझ में लेना है कि हर कोई ये बताता है कि हमें ऑर्डर फ्लो में सिर्फ और सिर्फ मार्केट बायर्स का डेटा मिलता है, नहीं, ये इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली गलत है। हमें मिलता है लिमिट बायर्स का, ओके, या लिमिट सेलर्स का। मार्केट बायर्स कोई भी कितना भी वॉल्यूम कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स बैठे हुए रहते हैं ना, उनका वॉल्यूम ऑलरेडी हमारे ऑर्डर बुक में रहता है। और ये हमें यहाँ पे कहना गलत होगा कि यहाँ पे सिर्फ 400 क्वांटिटीज का मार्केट बाय ऑर्डर पंच हुआ है, नहीं। यहाँ पे जो सेंटेंस आपको कैसे फॉर्म करना है पता है, द 400 क्वांटिटीज ऑफ लिमिट सेल ऑर्डर हैज बीन फिल्ड बाय मार्केट बाय ऑर्डर्स। मैं हिंदी में बताता हूँ फिर से, 400 क्वांटिटीज का लिमिट सेल ऑर्डर यहाँ पे फिल किया है बाय मार्केट बायर से। मार्केट बाय ने यहाँ पे क्या किया है कि 400 क्वांटिटीज का लिमिट सेल ऑर्डर यहाँ पे भी एग्जीक्यूट किया है, हमें ऐसे बोलना है यहाँ पे, ओके। तो हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 400 क्वांटिटीज का मार्केट बायर्स बैठे हुए हैं, नहीं। यहाँ पे हमें ये बोलना है कि मार्केट बायर्स ने 400 क्वांटिटीज का लिमिट सेल ऑर्डर यहाँ पे उनका फिल किया है, राइट। जब भी ऑर्डर फिल होता है इसका मतलब है कि उसके अपोजिट ट्रेड वालों ने एग्रेसिव पार्टिसिपेशन किया है यहाँ पे। तो एक सिंपल वे में डायरेक्शन में बताता हूँ कि जब भी हम ऑर्डर फ्लो देखते हैं, ओके, गिव मी अ सेक, जब भी हम ऑर्डर फ्लो में देखते हैं सिर्फ और सिर्फ लिमिट बायर, अगर यहाँ पे लिमिट सेलर से और लिमिट बायर से उसे ट्रांजेक्शन नहीं होती, हमें ज़रूरत है मार्केट में एग्रेसिव पार्टिसिपेशन की, यानी कि मार्केट में जो अपना ऑर्डर
मार्केट ऑर्डर में फिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कंप्लीट कैंडल है, ओके आपका ये कंप्लीट कैंडल है, जितने भी यहाँ पे जो लिमिट सेलर्स है, अगर वो ऑर्डर फिल होना शुरू कर दिया, जितना ऑर्डर फिल होगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में अपना नंबर रिप्लेस करेगा, 524 एंड 941, ऐसे करके वो अपना जो ऑर्डर है वो ऑर्डर फिल करना शुरू कर देगा। तो आई होप ये एक तो बात आपको पता चल चुका होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में ऑन दिस पर्टिकुलर फुटप्रिंट कैंडल के ऊपर किस तरह पे किस तरह का वॉल्यूम रहता है। तो जितने लोग सोच रहे हो कि सिर्फ हमें मार्केट बाय का वॉल्यूम मिलता है, नहीं, यहाँ पे लिमिट सेलर्स का भी वॉल्यूम मिलता है, राइट। तो लिमिट सेलर्स से लिमिट बायर का भी वॉल्यूम मिलता है। तो ये सब होने के बाद हमें तो एक बात तो पता चला कि मार्केट में फुटप्रिंट के कैंडल के ऊपर मार्केट बायर्स कहाँ पे कितने ऑर्डर फिल कर चुके हैं लिमिट सेलर्स का, और मार्केट सेलर्स ने कितने लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पे पंच किए हुए या फिल किए हुए। तो उससे क्या पता चलेगा कि मार्केट में कौन ताकतवर है, डिपेंडिंग ऑन द कैंडल क्लोज। आई होप अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है और आपको फुटप्रिंट के बारे में और कुछ सीखना है, तो मैंने अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देन यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर। और एक चीज़, मैं ये पर्टिकुलर इस टाइप का फुटप्रिंट यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ क्लस्टर चार्ट, इस तरह का वॉल्यूम। यही क्यों? क्योंकि इससे एनालिसिस करने में बहुत ही ईजी हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं 5 मिनट के कैंडल के ऊपर वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ। अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, देन उनको ये आइडिया आ चुकी होगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे प्राइस क्या और यहाँ से नीचे जा सकता है, क्या मार्केट में यहाँ से प्राइस और ऊपर जा सकता है, क्या मार्केट में किस तरह का डायरेक्शंस आ जाएगा। तो हमें क्या पता चलता है कि प्राइस एक्शन फॉर्म होने से ही पहले हमें पता चल जाता है। अगर आपको और भी इसके बारे में जानना है, तो हम जो इसके बारे में कम्प्लीटली मेंटरशिप प्रोग्राम भी अरेंज करते हैं, जो मेंटरशिप का जो चार्जेस है दैट्स 20,000। और कुछ लोग क्या करते हैं कि हमें कोर्स में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं और आके बोलते हैं कि सर आपका जो कोर्स है 20,000 का बहुत ही कॉस्टली है, अगर कोई इस प्राइस में जो लाइव ट्रेडिंग बैठ के और 1-to-1 मेंटरशिप दे रहा है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि आई एम गोइंग टू क्विट माई मेंटरशिप। तो उन लोगों के लिए मुझे सिर्फ यही बताना है कि आपके लिए ना, सो जो दिल्ली वाले गुरुजी हैं वो 2 लाख रुपए लोके सिर्फ येस्टरडे हाई लो पे कैसे ट्रेड करना है, वो चूना लगाता ना, वो सिर्फ वही आपको सूटेबल है, प्लीज़ गो विद देम। हमें यहाँ पे पिंग मत करो कि हमें ये बोलो मत बोलो कि 20,000 बहुत कॉस्टली है, राइट। तो और मुझे ये भी 1,000 और 2,000 लोगों को टीच नहीं करना है, सिर्फ मुझे अभी सिर्फ 12 लोगों को जो मेरा मेंटरशिप ट्रेड करने का है, मेंटरशिप टीच करने का जो टारगेट है वो टारगेट नज़दीक आ रहा है। आफ्टर टीचिंग जो 10 या 12 लोगों को मेंटरशिप के बारे में अगर उनको मैं सीखा, तो आई एम गोइंग टू क्विट दिस मेंटरशिप अबाउट दिस ऑर्डर फ्लो। अगर आपको भी उसमें पार्टिसिपेशन लेना है और सीरियसली आपको अगर इस पर्टिकुलर टाइप के फुटप्रिंट पे ट्रेड करना है, अगर वी आर द ओनली वन, हम ट्रेन इंडिया में हम अकेले हैं कि वो इस तरह के फुटप्रिंट चार्ट पे जो ऑर्डर फ्लो में सिखाते हैं, राइट। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली यू कैन मैसेज मी ऑन दिस टेलीग्राम। और ये थी कंप्लीट एनालिसिस अबाउट द फुटप्रिंट में नंबर कैसे जनरेट होता है, किस साइड पे कौन से ऑर्डर रहते हैं, और सिर्फ यहाँ पे मार्केट में या कोई मार्केट में यहाँ पे सिर्फ हमें मार्केट बाय ऑर्डर ही नहीं मिलता, हमें यहाँ पे लिमिट बायर्स या लिमिट सेलर्स का भी हमें वॉल्यूम मिलता है, राइट। तो ये थी कि छोटी सी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फुटप्रिंट एनालिसिस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।